लक्ष्मी। क्यों लेटी हो तुम यहाँ पर, क्या परेशानी है? कमर की हड्डी टूट गई है। कैसे टूट गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम ससुराल गए थे, शादी की शादी हुई थी तो 2 साल नहीं गए, मार पीट की थी। तो इसके बाद फिर दोबारा पंचायत नामा के से गए हैं, तो दोबारा वहाँ गए ससुराल, ससुराल से फिर वहाँ हमीरपुर लिवा गए हैं। दहेज मतलब दहेज मांग रहे थे, पहले भी दहेज मांग रहे थे, मोटरसाइकिल मांग रहे थे, 2 तलक जंजीर और 1 लाख रुपए। कर हम इतने बड़े लोग हैं, तुम कुछ नहीं लेके आई हो, जब भी जाते हैं तो दहेज का सुनाते रहे हैं। फिर इसके बाद वहाँ ले गए हैं तो दहेज के पीछे मारते रहे। मैं कहूँ कि गरीबी की वजह से नहीं दे पाए, जब होगा तो दे देंगे। तो कहता है नहीं हमें चाहिए, इस बार क्यों नहीं लेके आई? मैंने कहा नहीं लेके आए हैं, जाना तो वहाँ घर में जाके बात करना। कहते हैं अच्छा। तो मैं कह रही मुँह चला रही, तो इसके बाद मारा है मुझे, मार के फिर बेहोश हो गए, फिर बेहोशी हालत में छत के नीचे से फेंक दिया है। कितनी छत से फेंका, कितने ऊपर से फेंका है? 2 खंड की थी और पट्टी काफी ऊंचाई की थी मेरी बराबर की। 2 खंड से फेंका आपने? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वहाँ मकान मालिक था, एक बार समझाने आया था कि लड़ो मत, वहाँ जाके लड़ना। तो मकान मालिक ने वहाँ पे हमीरपुर में बयान दिया कि ये लोग झगड़ रहे थे, जब हम लोग गए तो ये लोग वहाँ नीचे छत से मतलब नीचे गए थे, उठा रहे थे मुझे। ये कब घटना हुई? ये 14 तारीख की है। कौन सा महीना, कौन सा महीना? ये महीना समेत 3 महीना होते आ रहे हैं। 3 महीने घटना हुई आपकी? हाँ। मुकदमा लिखा है, फाइल लिखाई है आपने? हाँ फाइल दिखाई है, वो दे दिया है, नकल दे दी है। कोई गिरफ्तारी अब तक हुई? कुछ नहीं हुआ। एक्सरे मैंने आपसे मांगा, एक्सरे है क्या आपका? एक्सरे थे, मतलब यहाँ पे मम्मी पापा कोई नहीं था, तो जेठ आया था, तो यहाँ से हम जबरदस्ती ले गया एक्सरे। आपने रोका नहीं? रोका था तो मतलब कहे थे कि काम है, ऐसे दबका के ले गया था, डांट रहा था। कोई कागज भी लेने जाए चाहे उसमें? कागज, कोई कागज भी तुमसे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुमसे मांगे थे क्या उसने? कौन कौन से कागज मांग रहे थे? कहे थे मुझे एक्सरे दे दो सारे, मतलब वो मांग रहे थे डिस्चार्ज और वो करवाए थे, मतलब वहाँ एडमिट करवाए थे उनके, वो मांग रहे थे। तो यहाँ पे टंगा था तो वो जबरदस्ती ले गए, फिर छोटा भाई झपटने लगा तो उसे मारने लगा, कह रहे क्या करोगे इसे। लेटी हो तो बाकी चीज़ें कैसी होती हैं, दिन में परेशानी कितनी होती है, क्या था? हाँ पीछे जख्म है इतने से, मतलब यहाँ पता नहीं चलता, जहाँ कुछ भी करो कुछ नहीं पता नहीं, लाइटिंग पेशाब को कुछ नहीं पता चलता। बड़ी मुश्किल होती है। हाँ इलाज हो पा रहा है? यहाँ पे करवाते हैं जो थोड़ा बहुत होता है। क्यों इलाज क्यों नहीं करा पा रहे? 1 लाख रुपए लग गया, कर्जा ऊपर से हो गया तो इसलिए नहीं करा पा रहे, वो तो करा ही नहीं रहे हैं। कोई सरकारी मदद मिली आपको? कुछ नहीं मिला। कोशिश की आपने? हाँ नहीं, वहाँ पे हमने कहा वहाँ जाए हमीरपुर में, तो वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इलाज तो डॉक्टर ने क्या कहा, इलाज हो सकता है आपका? नहीं वो होम्योपैथिक की दवा चलती है, 900-1000 का यही से दवा करता है, वो उसने गारंटी ली कि हम ठीक कर देंगे। कौन डॉक्टर है? विकास गुप्ता बांदा। कमर का हड्डी टूटी हुई है, कैसे टूटी, क्या परेशानी थी? सर ये ससुराल गई है, पंचायत के कारण गई है, ये प्रधान दस्तखत किया था, मोहर लगाई थी, 4-5 जन के दस्तखत थे। और फिर इसके बाद में 2-4-10 दिना लगे हैं, तल्लोदीपुर निवादा मारा को हैं, इसके पास होके पास फिर जेठ लगा है, तो मारो पीटो हैं साहेब, दहेज मांगत रहे हमें, दहेज नहीं मोरे रहो, मैं गरीब तीन हूँ, 5 बिटियाँ हम कही तय तय हैं। दहेज मांग रहे थे 2 तोला जंजीर और मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपया, तो नहीं साहेब दे पाओ हूँ मैं। एक हमारे मारक पीटक रहे हैं साहेब, मार के दब फेंक दिन है, और दब चले गए हैं डार के, और वहाँ से छाण आए थे हमीरपुर से, हूँ लगे हैं कानपुर से जवाब दे दिन हैं, तो नखलाऊ लगे हैं, नखलाऊ से वह खाद मीरा है यही का बिटिया का भोच, और सास अजेठ सब सर छोड़ के चले आए हमें। तो अभी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही सर, मांगते 30,000 रुपया डॉक्टर साहब और 2 बोतल खून। हम फोन करो तो कि लाला आबा पैसा लगाबा, कहा करावा इलाज आ रहा हूँ, करावा इलाज आ रहा हूँ, अब बस इस तरह
24 घंटा की बजाय हम आओ 4 घंटा डॉक्टर को रुकाओ। अच्छा, थाने में मुकदमा लिखाया होगा आपने? हाँ। तो सुनवाई हुई आपकी? हाँ। सुनवाई होती नहीं होती? नहीं सर, होती है, कुछ नहीं होती। आप गई? हाँ, कईयों दो बार तीन बार मैं गई हूँ और 3-4 बार मोर आदमी गया है। हाँ, कागज ले थे, धर ले थे, बस भगा दे थे। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है सर। मासूम बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, कमर तोड़ दी, बेकार कर दी जिंदगी, और पुलिस सुन नहीं रही है। नहीं सुन रही, सुन रही है। अब मैं कहा बताऊँ सर, मोरे पास पैसा हो तो मैं करो तो। अब मैं सर इतना तो नहीं बता सकती हूँ कि पैसा पाया है कि नहीं पाया, पर वो सुन नहीं रहे यहाँ। मारपीट लिख दी है, अब मुकदमा लगाओ है ना, मारपीट लिख दी है, या नहीं कहो कि हमारे कमर के हड्डी टूट गई है। अच्छा, पुलिस का कोई कर्मचारी या अधिकारी बयान नहीं ले पाया यहाँ पर? हाँ, नहीं कोई हुआ सर, कोई नहीं। हाँ।